फेस्टिवल में नया नया सामान सुंदर लगता है, खास करके डेकोरेशन का। और उसमें एक होता है मेन इम्पोर्टेंट सोफा कवर, और कलरफुल होना चाहिए, नया होना चाहिए और दिखने में एकदम से रॉयल होना चाहिए, खास करके दिवाली पे। दिवाली पे साइन साइन और ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी लगती है। तो अगर आप भी ऐसे ही कोई सोफा कवर तलाश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं, खास करके अगर आप मार्केट से इस तरीके के सोफा कवर खरीद रहे जाएंगे, 3-4 हज़ार से कम के बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, बहुत ही कॉस्टली होते हैं। नॉर्मल सोफा कवर भी 2-2.5 हज़ार से कम का नहीं आता है, पर आप 500 में इसे रेडी कर लेंगे घर पर। लेकिन मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं, थैंक यू। तो ये सोफ़ा कवर आप कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आप घर में ही पड़ी हुई कोई बेड शीट ले लें, प्लेन कपड़ा हो वो ले लें, कुछ भी हो आपके पास सबसे पहले वो ले लें। उसका मेजरमेंट करें सोफे पर रख करके, जो भी आपका सोफ़ा है उसके आर्म वगैरह पूरा निकाल करके, और प्लस सिलाई के लिए एक्स्ट्रा बचा लें और इसका मेजरमेंट लें। कोई घर में साड़ी पड़ी हो सिल्क की, कुछ इस तरीके से बनारसी लुक की कोई भी साड़ी हो जिसे आप यूज़ नहीं करना चाहते हो, दुपट्टा हो, खास करके साड़ी होगी तो आपका पूरे जो सोफ़ा है उसका कवर आसानी से बन जाएगा। तो मैंने ये साड़ी ले ली है जो मेरे बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आ रही थी। इस तरीके से आपके पास भी कोई ना कोई साड़ी जरूर होगी, तो इस तरीके से आप कलर कॉम्बिनेशन कोई भी ले सकते हैं, व्हाइट होगा उस पर कोई भी साड़ी चल जाएगी, बहुत ही अच्छा ग्रेस देगा, बहुत अच्छा लुक देगा। तो साड़ी को कुछ इस तरीके से अच्छे से फैला देंगे, सेट कर लेंगे बहुत अच्छे से, रिंकल वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट इन स्टेप ले लें आप, एकदम से परफेक्ट मेजरमेंट लेना है। और जितना हमें चाहिए, जितना हमारा सोफे पे ये कवर होगा उससे हमें 2-2 इंच चारों तरफ से एक्स्ट्रा ही कट करना है, क्योंकि एक एक 2-2 इंच सिलाई में चली जाती है, तो इसलिए एक्स्ट्रा कटिंग जरूरी है। अगर आप एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तो आपके सोफे कवर के लिए कमी रह जाएगी। तो अच्छे से इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और रिंकल वगैरह बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सेट होना चाहिए बहुत अच्छे से। ये देखिए मैंने दोनों चीज़ों की अच्छे से कटिंग कर ली है और ये ईजिली आपके पास मिल जाएगा। और ये ले लिया है मैंने लेस, लेस आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। मार्केट में ना मिले तो आप मीशो वगैरह से ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत सस्ती मिलती है मीशो वगैरह पे ऑनलाइन। मैंने 9 मीटर ये लेस ली थी 140 रुपीज़ की, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। अब जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम चारों तरफ से बहुत अच्छे से सिल लेंगे, थोड़ा मोटा मोटा सिलना है और लंबी लंबी सिलाई लगती है, तो इसलिए बिल्कुल भी सिलने में आपको परेशानी नहीं होगी, बहुत आसानी से इसे आप सिल करके रेडी कर लेंगे। जब मुझ जैसा कोई कर सकता है तो आप तो आसानी से कर लेंगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट में बिल्कुल सिलाई में इंटरेस्ट नहीं है मुझे, और मैं लेकिन कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा कुछ नया नया करना अच्छा लगता है, और इसमें सीधी सीधी सिलाई है तो मैं कर रही हूँ, तो आप तो आसानी से कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से लंबी लंबी सिलाई लगा लेनी है और चारों तरफ से अच्छे से इसे सिल लेना है, जिधर से आपको लगे कि ये सिला हुआ है अच्छे से सेट है तो उधर की तरफ आप छोड़ दें, बाकी चारों तरफ से अच्छे से सिल लेंगे। अब जो वाइट वाला पार्ट था वो हमारा सिल गया है, जो साड़ी वाला जो कपड़ा है इसे भी हम चारों तरफ से इस तरीके से फोल्ड करके हम इसे भी सिल लेंगे। अगर सिलने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई ऑलरेडी है, तो उधर से आप छोड़ दें, लेकिन बाकी चारों तरफ से सिलना है, क्योंकि सिलाई निकल जाती है, धागे निकलते हैं और लुक में भी अच्छा नहीं आता है। तो कुछ इस तरीके से इसे भी सिलेंगे और फिर दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ देंगे, जो वाइट वाला पार्ट है और प्लस जो ये हमारा साड़ी वाला पार्ट है, दोनों को ऊपर नीचे रखेंगे, अच्छे से सिलाई करेंगे, बहुत आसानी से इस पर भी आपकी सिलाई हो जाएगी, चाहे साड़ी हो या फिर आपका नीचे वाला कपड़ा हो, क्योंकि सभी की लंबी लंबी सिलाई है। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लगाएंगे इसमें लेस, बहुत इजीली देखिए लेस लग गई है। और पहले मैंने दोनों पार्ट को आपस में जोड़ दिया था, उसके बाद मैं लेस लगा रही हूँ। दोनों को आपस में जोड़ने के बाद इस तरीके से मैंने चारों तरफ अच्छे से लेस लगा दी है, क्योंकि लेस से बहुत अच्छा लुक आएगा, खास करके दिवाली के लिए। दिवाली में ये लुक बहुत ही एकदम से डिफरेंट, बहुत ही अच्छा लुक देता है, बहुत ही एकदम से रॉयल लुक देगा आपके सोफे कवर को। और नीचे भी मैंने लगा दिए गोल्डन कलर की लेस, जो बहुत ही अच्छा एकदम से रॉयल लुक दे रहा है आप सोफे कवर को। तो दोनों ही ऊपर नीचे के सोफे कवर मैंने इस तरीके से सिल करके रेडी कर लिए हैं। सोफे के जो नीचे इंचेस वाला एरिया है उस पर कुछ इस तरीके की गोल्डन लेस लगाई है मैंने, बहुत आसानी से यह सिल करके रेडी हो गया, क्योंकि एकदम से सीधी सीधी सिलाई है
और दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। रात में जो टाइम होता है रात का और जब दीपक वगैरह जलते हैं तो इस तरीके का रॉयल लुक बहुत ही अच्छा लगता है सोफे का। और थोड़े से शाइनिंग थोड़े लाइट कलर में मैंने यहाँ पे रख दिए हैं कुशन कवर, जो बहुत ही सुंदर एकदम से रॉयल लुक दे रहा है सोफे कवर के साथ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आपको ये सोफा कवर कैसा लगा, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को जाते जाते प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।